हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पलाइन आरके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ भाई। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं, शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, अगर शॉर्ट वीडियो से अपना चैनल मोनेटाइज किया हुआ है, तो भाई आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब से यूट्यूब पे नया शॉर्ट वाला अपडेट आया है, तब से भाई 100 मिलियन मतलब लाना, व्यू लाना, लाइक लाना कोई कोई बड़ी बात नहीं रही है। 50 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन ये कोई बड़ी बात नहीं रही है। शॉर्ट जब से शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड यूट्यूब पे चला है, तब से भाई व्यूज लाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी शॉर्ट वीडियो पे 1 मिलियन व्यू आ जाता है, तो भाई आपके नॉर्मल सी बात है 70-75 हज़ार जो है सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। तो भाई आप अगर शॉर्ट वीडियो एक क्रिएटर है, तो भाई आप मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आपने स्किप किया और बीच में से अगर वीडियो को आगे पीछे किया, तो भाई आपके कुछ समझ में नहीं आएगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को आर पे सेट करें, ताकि हमारी कोई भी अगली न्यू नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और मैं आपकी सबसे पहले मदद कर सकूं। तो गाइस, वीडियो की ओर बढ़ते हैं और मैं बताता हूं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि जब से आपको पता है कि YouTube एक प्लेटफॉर्म है जिसमें नए नए अपडेट आते रहते हैं भाई, अपनी जिंदगी में ही अगर नए नए मोड आते रहते हैं, तो YouTube तो फिर भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर भी जो है अपने अपडेट आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और अगर अपडेट आ रहे हैं, तो वो कैसे अपडेट आ रहे हैं भाई? शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखते हैं कि प्रत्येक आदमी जो है शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा है, शॉर्ट वीडियो से अर्निंग कर रहा है। तो भाई अर्निंग तो हो रही है, बट आपको बहुत नहीं पता कि शॉर्ट वीडियो से कितनी अर्निंग हो रही है। शॉर्ट वीडियो पे व्यू लाना कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाना शॉर्ट वीडियो से कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक वीडियो से भी अपना चैनल जो है मोनेटाइज करवा सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो भी 20-20 मिलियन तक जाती है शॉर्ट वीडियो। और इससे मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैं ये बातें बोल रहा हूँ सारी की सारी। भाई आप एक बात, एक मेरी जो मैं एक जो बात बोल रहा हूँ वो देखना। आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, तो भी अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, बट आप एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करोगे, तो भाई आपके व्यू जो हैं डाउन जाएंगे। वो कैसे डाउन जाएंगे? वो ऐसे डाउन जाएंगे कि आपने लॉन्ग वीडियो पे शुरू से काम नहीं किया। लोग आपको जानते नहीं कि बंदा ये यार शॉर्ट वीडियो अपलोड भी करता है, लॉन्ग वीडियो अपलोड भी करता है। ये आपको, वो लोग आपकी जो ऑडियंस है वो इसी तरीके से जानेंगे कि हाँ भाई ये बंदा है, इस नाम से इसका चैनल है और इसी तरह ये शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड करता है। तो भाई आप क्या करते हैं, किसी मूवी, किसी कोई वीडियो वगैरह के जो है छोटे छोटे शॉर्ट काट के और अपलोड करते रहते हैं। तो भाई ये गलत है, और ये गलत, बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इन शॉर्ट्स से चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। अब यूट्यूब के नए अपडेट के अंदर ये आ गया है कि आप अगर किसी की वीडियो के, जैसे कई करते हैं, जैसे बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं, जैसे LBC यादव है, UK07 है, सौरभ जोशी है, और भी कई कई बड़े जो यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो, उनके जो व्लॉग्स हैं, उनकी वीडियोस हैं, उनके अंदर से छोटे छोटे पार्ट काट के शॉर्ट वीडियो अपलोड करते रहते हैं, उनसे व्यू छापते हैं। बट भाई अब वो चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप जो है शॉर्ट वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अर्निंग करनी है सच में, तो भाई आपको लॉन्ग वीडियो पे काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाना बंद करो और लॉन्ग वीडियो पे स्टार्ट हो जाओ। आप शॉर्ट वीडियो भी बनाओ, बट लॉन्ग वीडियो भी धीरे धीरे रन में लाओ। अगर आप लॉन्ग वीडियो रन में लेके आते हैं, तो भाई इससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस जो है आपकी लॉन्ग वीडियो भी देखेगी और लॉन्ग वीडियो से अर्निंग अच्छी होती है। अगर आपके 10 जो मिलियन व्यूज आएंगे एक शॉर्ट पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए कमाओगे? आप जो बड़ा सा आइडिया लेके चलते हैं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमा लोगे, इससे ज़्यादा कोई जो है पैसा नहीं जुड़ने वाला है। और यही अगर मिलियन में जो व्यू हैं अगर लॉन्ग वीडियो पे आते हैं, तो भाई अच्छा खासा पैसा यूट्यूब आपको देता है। तो भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट वीडियो बनाना बंद मत करो, कम कर दो। अगर नहीं, कम भी नहीं करना चाहते हैं, तो भाई लॉन्ग वीडियो भी साथ की साथ बनाना स्टार्ट करो। अगर आप यूट्यूब पे कामयाब होना चाहते हो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में अपना फेस वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई आपको लॉन्ग वीडियो पे पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है या नहीं, आपको जानकारी मिली है या नहीं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।